12 student, welcome to Tirupati International School. We are dealing with our national income and its related aggregates. The second method of income, second method of national income, that was income method. Okay, till now we have completed only four numericals of income method. आज हम फिर से थोड़े से दो तीन न्यूमेरिकल्स और करेंगे इनकम मेथड के साथ, जिसके साथ साथ ही आपको प्रैक्टिस हो जाए वो ये सारे सम सॉल्व करने की. ओके, लेट्स स्टार्ट टुडे विद द फिफ्थ न्यूमेरिकल. फिफ्थ न्यूमेरिकल में हमको पूछा गया है, फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट GDP at MP, GDP at FC as well as national income by income method. क्या क्या पूछा गया है? Calculate the first one, GDP at MP. फिर second पूछा है हमको GDP at FC, GDP at FC. और third पूछा गया है national income by इनकम मेथड. तो क्या होता है? NNP at FC. ओके, लेट्स राइट इट डाउन व्हाट्स इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर सम. द फर्स्ट वन, इट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. मिक्स्ड इनकम दिया गया है हमको, कितना है? एवरीथिंग इज इन करोड़. 2,82,670. Then subsidies 11,200. फिर है rent, interest and profit. तीनों चीजें एक साथ है, rent, interest and profit. सभी चीजें एक साथ है, जिसका amount है 96,370. फिर है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन. ओके, याद रखना, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दैट इज डेप्रिसिएशन. 40,460. फिर है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, दैट इज NFIA दिया गया है, -2,550. देन कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 1,44,200. And then at the last, indirect tax is 88,340. Okay. Okay. ये जो सारे इंफॉर्मेशन है हमको क्वेश्चन में दी गई है. अब समझो, सबसे पहले क्या फाइंड करना है हमें? जीडीपी एट एमपी. ओके, लेकिन कौन सी मेथड है? इनकम मेथड है हमारे पास. तो इनकम मेथड से हमको क्या मिलता है? एनडीपी एट एफसी मिलता है सबसे पहले. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एनडीपी एट एफसी. हमारा फर्स्ट वन क्या आता है? एनडीपी एट एफसी. देखो, इसमें पूछा है, नंबर नहीं है ना, इसलिए मैंने इधर स्टार किया है कि भाई हमें ये फाइंड करना है. एनडीपी एट एफसी हमें मिल रहा है. एनडीपी एट एफसी में कौन कौन सी चीज़ें आएगी? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इधर है हाँ बच्चों, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिस मच पहले लिख लो. चलो, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस क्या आएगा? रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. प्लस रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट प्लस कौन कौन सी चीजें? एनएफआई नहीं आएगी, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा. क्या आएगा सबसे पहले? मिक्स्ड इनकम, पहला वाला मिक्स्ड इनकम. ओके, ये तीन चीजें हैं. लेट्स प्लस इट. कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 1,44,200 प्लस रेंट 96,370 प्लस हमारे पास मिक्स्ड इनकम है
2,82,670. ओके, इन सबको ऐड करो तो आपको क्या मिलता है, 5,23,240. ये क्या हमें मिला, NDPHFC. ओके, अब हमको ये जो प्रॉपर चीज़ जो हमें इनकम मेथड के साथ मिलती है वो हमने फाइंड कर लिया. अब बारी है ये कैलकुलेशन करने की. तो पहला क्या है, GDP at MP. हमारे पास क्या है, NDP at FC. ओके, नाउ नेट से लेकर ग्रॉस में हमें जाना है तो हम क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन. ये हमेशा याद रख लेना, ये जो सारे पोर्शन है वो प्लस डेप्रिसिएशन. इसके साथ साथ क्या है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो हम क्या करेंगे, प्लस एनआईटी. अब एनआईटी क्या है, आईटी माइनस सब्सिडीज. चलो लेट्स पुट इन द फॉर्मूलाज, 523,240 प्लस डेप्रिसिएशन हमारे पास कितना है, डेप्रिसिएशन 40,460 प्लस NIT क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज. तो ये लिख लो, 88,340 माइनस सब्सिडीज कितनी है, 11,200. इन सब को कैलकुलेट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 6,40,840. ये क्या मिला हमें, GDP at MP. इधर क्या लिखना है, करोड़ लिखना है. जो फाइनल आंसर हमें पूछा गया है उसके पास में हमें ये लिखना है और बॉक्स बना देना है. ओके, वी गॉट इट द फर्स्ट पॉइंट. देन सेकेंड पॉइंट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड, GDP at FC. अब देखो हमको MP मिल गया है तो डायरेक्टली हम GDP at MP भी लिख सकते हैं. ये क्यों हम लिखे, फिर ये इजी हो जाएगा. GDP at MP हमने लिखा, उसके साथ हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट. इधर क्या हमने किया, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो प्लस NIT किया. तो इधर क्या आएगा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में माइनस NIT. ओके, तो GDP कितना मिला, 6,40,840 माइनस NIT. ये दोनों को जो माइनस हमने किया था उसको क्या आया था, 77,140. तो हमारे पास फाइनल आंसर आया 5,63,700. ये भी हमें क्या मिला, GDP at FC. ये भी फाइनल आंसर पूछा गया है तो हम इधर भी क्या कर लेंगे, करोड़ लिख देंगे. ओके, कितना सिंपल था. नाउ लास्ट एंड द फाइनल, NNP at FC, हमारी नेशनल इनकम, NNP at FC. ओके, NNP at FC में क्या करेंगे, NDP at FC है हमारे पास, या फिर हम ये भी ले सकते हैं, GDP at FC भी ले सकते हैं, कोई भी चीज़ आप ले सकते हो. चलो यही ले लूँ मैं, GDP at FC. जी से लेकर नेट में हमारे पास सब कुछ है, प्लस NFIA माइनस डेप्रिसिएशन. 563,700 प्लस उसके ब्रैकेट में माइनस है इधर 2,550 माइनस 2,550 माइनस हमको क्या करना है, डेप्रिसिएशन कितना था, 40,460. सो फाइनल आंसर हमारे पास NNP at FC क्या आता है, 5,20,690 करोड़. ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन विच इंक्लूड्स फाइंडिंग ऑफ योर 3 पॉइंट्स. अब स्टूडेंट्स प्लीज, ये जो पूछा जाता है डोंट गेट कंफ्यूज. हम जिस किसी भी मेथड की फॉर्मूलाज हमें याद है हमें उसी तरीके से फॉलो करना है सारे स्टेप्स.
वन बाय वन एवरी स्टेप्स यू नीड टू फॉलो इट. ओके, ऐसा नहीं है कि भाई डायरेक्टली हम जाके ये रख दो, नहीं, ऐसा नहीं होता है बच्चों. वी नीड टू राइट इट एवरी स्टेप्स. मैं क्यों ये सारी फॉर्मूलाज एक ये ऐसे ही सारे सम्स में लिख रही हूँ, बिकॉज यू नीड टू रिमेंबर इट एवरी थिंग एंड यू नीड टू गो एवरी थिंग इन अ स्टेप वाइज. ओके, ये जो सब कुछ लिख रही हूँ आपको भी इसी तरीके से अपने पेपर्स में लिखना है. ओके, सो ये हो गया हमारा फिफ्थ सम. लिख लेना सब लोग, आप वीडियो पोज करके पहले ट्राई करना. ये सम मैंने लिखा है, कैलकुलेशन भी बोला है, ये आंसर का बाद में आप देखना, आप खुद अपने आप सॉल्व करने की ट्राई करना, फिर जाके आप करना अपने आंसर्स. ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट सम. ये सारी चीज़ें हैं ना दूसरे सम में भी होगी. चलो इस बार हम सम करेंगे विच इंक्लूड्स GDP एट MP एंड NNP एट FC. दोनों चीज़ें हमें फाइंड करनी हैं. यहाँ पर नंबर 6 आ जाता है. Sixth sum, calculate kya kya hai GDP at MP as well as the second one is NNP at FC. Okay, consumption of fixed capital 340, everything is in crores. Then employers contribution 300, rent 100, easy है, छोटा छोटा points है, interest सब कुछ अलग अलग दिया है हमें 200, profit 250, royalty 50, wages and salaries 1700, NIT and then NFIA दिया है. NIT हमको है 380 as well as NFIA हमारे पास है -30. चलो शॉर्ट में है, everything is short and sweet. Okay, चलो सबसे पहले अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी क्या क्या करना है, मैं सिर्फ यहाँ पर स्टेप्स लिख दूंगी क्या क्या चीज़ें आती हैं. देखो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, आंसर लिख लो. सबसे पहले हमें फाइंड करना है GDP at MP. GDP at MP क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले NDP at FC कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हमें मिलेगा GDP at MP जो हमारी फर्स्ट NDP at FC. ये कैलकुलेट करेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें आएगी. कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, नहीं है हमारे पास. फिर क्या है, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट. ओके, फिर क्या है, वेजेस एंड सैलरीज है हमारे पास, प्लस वेजेस एंड सैलरीज. ओके, इन सारी चीज़ों को आपको प्लस करना है. फिर क्या करना है, हमारा फर्स्ट स्टेप दैट इज GDP एट
एमपी में जाना है, जीडीपी एट एमपी में किस तरीके से जाओगे, एनडीपी एट एफसी है हमारे पास जो हमने लास्ट में किया था, हम क्या करेंगे प्लस डेप्रिसिएशन एज वेल एज प्लस एनआईटी, प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे प्लस एनआईटी करेंगे, हम वो फॉर्मूला ही लेंगे और फिर जाके हम जाते हैं हमारे फाइनल जो क्या पूछा गया है एनएनपी एट एफसी। आप ये भी यूज़ करके कर सकते हो या फिर हम डायरेक्टली ये ले लो एनडीपी एट एफसी। डोमेस्टिक से लेकर नेशनल में जाना है तो हम क्या करेंगे प्लस एनएफआईए, हो गया, यही फॉर्मूलाज आएगी। पुट एवरीथिंग, ये जो क्वेश्चन है वो इसमें सारी जगह पुट कर दोगे, इट वुड बी वेरी इजी। ओके, सम सॉल्व कर लोगे। मैं आपको फाइनल आंसर एनएनपी एट एफसी बता देती हूँ, ये क्या आता है 2570 करोड़, ये आता है, और जीडीपी एट एमपी हमें मिलता है 3320 करोड़। ओके, टेली योर आंसर्स वेदर यू आर गेटिंग दिस आर नॉट, ऑब्वियसली मेरे को ट्रस्ट है आप सभी के ऊपर के आपको आंसर्स आएंगे ही। ओके, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग विद मी डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स वन ऑफ द सम। This was the sixth sum. Now we'll move towards the seventh sum. मेरे को तो सेवेंथ सम ये भी आपको होमवर्क में देना अच्छा लग रहा है, क्यों, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें हमें फाइंड करनी है ये सम में। ओके, मैं लिख देती हूँ क्या क्या चीजें आपको फाइंड करनी है। ओके, सम नंबर सेवन, कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड, दैट इज नेट डोमेस्टिक इनकम। क्या पूछा गया है देख लेना, क्या क्या कैलकुलेट करना है। सबसे पहला नेट डोमेस्टिक इनकम, मतलब कि एनडीपी, देखो क्या क्या है नेट डोमेस्टिक इनकम, मैं वहाँ के ही वर्ड्स लिख रही हूँ जो बुक में है। नेट डोमेस्टिक इनकम फाइंड करना है, फिर है ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, फिर है नेट नेशनल इनकम, फिर है नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट उसमें क्या है, एट मार्केट प्राइस, एट मार्केट प्राइस ऐसा दिया गया है। अब समझो, आप सबसे पहले मैं क्वेश्चन बाद में लिख रही हूँ, आपको इसमें किस तरीके से फाइंड करना है, क्या है ये आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है, दैट इज नेट डोमेस्टिक इनकम, मतलब कि हमारे हमको डोमेस्टिक लेवल की इनकम कैलकुलेट करनी है, वो किस में है, नेट में है। ओके, वो किस में हमें फाइंड करनी है, नेट में फाइंड करनी है। तो नेट डोमेस्टिक इनकम मतलब कि क्या हो गई हमारी, नेट डोमेस्टिक इनकम, नेट वाली इनकम कौन सी कहलाती है, दैट इज इनकम मेथड की जो इनकम होती है, दैट इज वी आर गेटिंग एनडीपी एट एफसी, मत ये क्या है, एनडीपी एट एफसी है। ओके, दैट इज नेट डोमेस्टिक लेवल की इनकम है। फिर है हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम मतलब कि ये जो एनडीपी एट एफसी मिला है हमें, दैट इज हम इसमें क्या लिखेंगे, दैट इज नेट डोमेस्टिक इनकम, नेट डोमेस्टिक इनकम प्लस क्या कर देंगे हम हमारा डेप्रिसिएशन, दैट इज नेट से लेकर हमें क्रॉस में हम पहुंच गए किस तरीके से, प्लस डेप्रिसिएशन करके। फिर है हमारी नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम किस तरीके से फाइंड करेंगे, नेट डोमेस्टिक इनकम तो है ही हमारे पास, इसमें क्या करना है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है,
नेट डोमेस्टिक इनकम में हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो हम क्या करेंगे, प्लस NFIA और फिर जाके हमें क्या फाइन करना है, NNP@MP। ये क्या हो गया हमारा, NNP@MP हो गया। अब हमारे पास नेट डोमेस्टिक NNP@FC है हमारे पास, तो हम डायरेक्टली इसमें भी पहुंच सकते हैं, दैट इज नेट नेशनल इनकम ले लो, नेट नेशनल इनकम है हमारे पास, ये FC है, यहाँ पर MP में जाना है, तो क्या करेंगे, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, जो NIT हमारी आती है। ओके, तो इसके ये क्वेश्चन में इस तरीके से हमको सारी चीज़ें पूछी गई है, आपको ये ऐसी फॉर्मूलाज यूज़ करके ये सब भी सॉल्व करना है। लेट मी राइट इट, इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू 90,000, फिर है सब्सिडीज इज इक्वल टू 18,000, फिर है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 17,000, फिर है मिक्स्ड इनकम इज इक्वल टू 2,80,000, ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू 1,00,000, NFIA इज इक्वल टू -3,000 एज वेल एज कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज इक्वल टू 2,40,000। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज योर क्वेश्चन एंड यू नीड टू फाइंड इट दिस, पुट इट दिस इन फॉर्मूला, इट्स वेरी इजी। यहाँ पर ऊपर क्या आता है, करोड़, तो सारे आंसर करोड़ में आएंगे, सॉल्व कर लेना अपने आप ही। ये मैंने फॉर्मूलाज लिखी है इसी तरीके से, ये जो सारे सम्स के ये पॉइंट्स हैं ये सारे इसमें लिख लेना एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर्स। ओके, थैंक यू क्लास।